हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टॉपिक्स है। अगर आपको साड़ियाँ पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है, या फिर मैं बोलूँ कि आपको कॉटन की साड़ियाँ पहनने का शौक है, जैसे कि मैंने भी अभी ये कॉटन ब्लेंड की साड़ी पहनी हुई है, तो पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है और लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो अगर आप भी इस तरीके की साड़ियाँ पहनना पसंद करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस तरह की जो साड़ियाँ होती हैं, उनके साथ यूजुअली जो प्रॉब्लम आती है, वो अधिकतर ये होती है कि जब हम इन साड़ियों को पहनकर चलते हैं, तो ये पीछे से बैक से फोल्ड हो जाती हैं चलते वक्त। तो आगे का लुक तो अच्छा आता है, लेकिन बैक का जो होता है ना, वो सारा का सारा ख़राब हो जाता है और चलने में भी बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल सा लगता है, फील होता है। मेरे साथ तो ये होता है, और जिसके साथ होता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसके लिए मैंने एक आइडिया निकाला है, जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। और इस साड़ी में भी मैंने वही किया हुआ है, हालांकि मैंने इसमें पहले ही वो काम कर लिया है, इसलिए इतनी ज़्यादा फोल्ड नहीं हो रही। वैसे मैं आपको दिखाऊंगी इसकी एक छोटी सी क्लिप, थोड़ा सा कि चलते में किस तरीके से फोल्ड हो जाती हैं साड़ियाँ। तो अगर आप भी इन प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं, तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आपको करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। जैसे कि आप नॉर्मल फॉल लगाते हैं, आपको अपनी फॉल लेनी है, ये देखिए। और यहाँ पर मैंने दूसरी साड़ी अपनी इसी तरीके की ली हुई है, ये रही। इस तरह आपको अपनी साड़ी लेनी है, और आपको इस तरीके से एक फॉर्म की पट्टी ले लेनी है। तो ये वो फॉर्म है जो आजकल अधिकतर सलवारों में लगा रहे हैं, कि सलवारों की जो मोहरी होती है वो खड़ी खड़ी रहती है, इसलिए ज़्यादातर इसे यूज करती हैं लेडीज़ें अपनी सलवार में, ताकि उनकी मोहरी खड़ी खड़ी रहे। तो बस आपको ये एक मोहरी का ही जितना कपड़ा लेना है, जितना कि बैक पोर्शन पे आता है, थोड़ा सा इतनी चौड़ी पट्टी आपको काट लेनी है फॉर्म की, और बस उसको इस तरह से फॉल के अंदर रखते हुए फॉल में रखना है। और पहले आपको इसे फॉल में ही सिल लेना होगा इस तरीके से। चाहे तो आप मशीन से सिल सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर सिलाई लगाकर, या हाथ से भी सिल सकते हैं। और लगाने के बाद बस जस्ट आपको जैसे आप अपनी साड़ी में फॉल लगाते हो, उसी तरीके से लगा देना है। इससे आपका जो फॉल होगा ना, बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाएगा, और आपकी साड़ी का जो पीछे का बैक पोर्शन होगा, वो बिल्कुल भी फोल्ड नहीं होगा, और ना ही आपको चलने में ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होगा। बहुत अच्छी साड़ी रहती है ये, और वैसे भी ये जो बॉर्डर भारी होते हैं इन साड़ियों के, तो ये खड़े खड़े रहते हैं, तो फॉर्म लगाने से ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली है, और पता भी नहीं चलता कि इसमें अंदर फॉर्म लगा हुआ है। और साड़ी का वजन भी नीचे से काफ़ी अच्छा हो जाता है, जिससे कि साड़ी की फॉल बहुत अच्छी आती है और लुक भी बहुत ही सुंदर निकल कर आता है। तो ये मेरा एक छोटा सा सुझाव है आपको, अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप चाहे तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर ये आपको थोड़ा हेल्पफुल लगा हो, तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं।